प्रदेश में आए दिन हो रही प्राकृतिक आपदाओं में राहत व बचाव कार्य में सरकार के प्रबंधन पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने सवाल उठाए हैं। राणा ने कहा कि आपदा प्रबंधन के नाम पर बस एक विभाग चलाया जा रहा है जिसमें आंतरिक तौर पर कोई प्रबंधन नहीं है। बीते दिनों राज्य में भीषण प्राकृतिक आपदाएं आई जिसका राहत कार्य बहुत धीमे स्तर पर चल रहा है। अभिषेक राणा ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद प्रबंधन विभाग ने कोई भी तैयारी नहीं की थी और आपदा के आने पर भी तुरंत मदद पहुंचाने के समय सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई और बड़े मात्रा में लोग बेघर हुए जिनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है। अभिषेक राणा ने प्रदेश सरकार को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने इस सरकार को अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए चुना था लेकिन दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभा पा रही है। अभिषेक राणा ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय संकट में चल रहा है। इस समय में केंद्र सरकार यदि डबल इंजन के कथन को सत्य साबित करना चाहती है तो उन्हें हिमाचल की जनता के लिए व प्रदेश का एक बड़ा राहत पैकेज देना चाहिए ताकि जो करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि हिमाचल की जनता का पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करे एवं बचाव कार्य को अधिक तेजी से चलाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार का कोई प्रबंधन नहीं है। लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि भारी भूस्खलन, भारी बरसात की आशंका है और आज हम सबने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आई जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो पर्यटक हैं चाहे वो स्थानीय लोग हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे लोग अभी अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, कई जगह नेशनल हाईवेज बंद हैं और सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आ रही है कि जहां पर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जब सरकार को जारी की गई थी और ये कहा गया था कि ऐसी चीजों की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा है तो प्रशासन की ओर से तैयारी क्यों नहीं की गई थी। बहुत सारे इलाकों से लगातार फोन आ रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं और लोगों की उम्मीदें थी कि इस समय जो राहत का काम जिस रफ्तार से इस आपदा के समय सरकार की ओर से देखा जाना था या देखने की उम्मीद थी वो नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर जहां आज करोड़ों अरबों रुपए का हिमाचल प्रदेश को इस आपदा के समय में नुकसान हुआ है तो हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक को उम्मीद है कि बड़े से बड़ा राहत का जो पैकेज है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार जो एक नारा दिया जाता था डबल इंजन की सरकार, आज समय आ गया है ये साबित करने का कि केंद्र सरकार को इस आपदा के समय में भी हिमाचल प्रदेश के लोगों की उतनी ही चिंता है। तो हमारी ये मांग है कि राहत के काम में जो सुस्ती बरती जा रही है प्रशासन की ओर से